पहाड़ों के ज़्यादा करीब में आ जाएंगे, क्योंकि पहाड़ों से छोटे छोटे अवलांच कभी भी नीचे आ सकते। उस तरफ ना जाएं, उस तरफ ये जो आप आइस देख रहे हो ये टूट के नीचे गिर सकती है, जिससे कि आपको सीरियस इंजरी हो सकती है। आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जितनी भी वीडियो देखी है, उन्होंने सिर्फ अपनी वीडियो में बताया है कि यहाँ पे शिवलिंग बनता है, स्नो का शिवलिंग बनेगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह का और कितना बड़ा शिवलिंग बनता है। दोस्तों आप ये देखिए, ये मेरे पीछे साक्षात भोलेनाथ का शिवलिंग बना हुआ है।